तो पहले हम इसको क्लीन करेंगे, ये सोप वाटर है इससे इसको क्लीन करेंगे। तो गाइस ये मेटल वायर ब्रश है, ये यूज़ होता हैगा जहाँ भी रश लगा होता है मेटल सरफेस पे उसको हटाने के लिए। तो इसको मैं अटैचमेंट के साथ यूज़ करके क्रीम के ऊपर जितना भी रश लगा उसको हटाएंगे, उसके बाद में इसको हम पेंट करेंगे ताकि हमारा पेंट जो है स्टिक कर सके एंड रश ना लगे दोबारा। सो मैं इसको ड्रिल मशीन में यूज़ करने वाला हूँ, लेकिन ये बेसिकली ग्राइंडर के अंदर एंगल ग्राइंडर जो आता है उसके अंदर यूज़ होता है, वो नहीं है मेरे पास, तो इसलिए मैं इसको ड्रिल मशीन में यूज़ कर रहा हूँ। साफ हो गया, ये देखो ना। गाइस अब देखिए मैंने इसको जो जितना सारा रस्ट था वो उस मशीन से हटा दिया है, एंड इसके बाद अब कहीं रस्ट नहीं तो आप पेंट करेंगे। इसको पानी से साफ़ कर लिया मैंने, इसके बाद उसको ड्राई क्लॉथ से क्लीन करके फिर इसके ऊपर स्प्रे पेंट करेंगे। अब सेम इसके फ्रंट साइड में भी कर लेता हूँ, ये बैक साइड से कर लिया, अब फ्रंट साइड से दिखा रहा हूँ आपको, एंड इसके बाद इस पर भी करता हूँ। इसके बाद मैं आपको फाइनल दिखाता हूँ कि दोनों साइड से होने का कैसा लगा। अब यहाँ से मैंने इसको क्लीन कर लिया, उसको पानी से साफ करके फिर इसको ड्राई करके इसके ऊपर स्प्रे पेंट करें, एंड स्प्रे पेंट के लिए कैन का यूज़ करूँगा मैं। इसके साथ में एक अडैप्टर है वो भी आपको दिखाऊँगा, जिससे कि पेंट काफ़ी ईज हो जाएगा करना आपके लिए। ये स्प्रे पेंट है मैट ब्लैक या फ्लैट ब्लैक या फिर डल ब्लैक भी बोलते हैं इसको उसको, एंड ये अडैप्टर की हम बात कर रहे हैं, इससे ग्रिप अच्छी होगी, एंड चलेगा कि हम एक प्रोफेशनल जो स्प्रे होता है कंप्रेसर से जो स्प्रे करते हैं उसकी तरह से फिनिशिंग एंड हैंडलिंग होगी। तो इसको कर लेते हैं, इसको देखिए किस तरीके से लगाना, तो हमारा ये इस तरीके से ही होता है वर्क करता है, इस तरीके से लगाना, पहले इसको भी हमें निकालना पड़ेगा। हो गया, इसके बाद इसको हमें लॉक कर देना। हमने लॉक कर दिए, एंड इस तरीके से करेंगे। अभी आपको स्प्रे पेंट करके दिखाऊंगा मैं, अभी वो व्हील हमारा ड्राई हो रहा है उसको चेक कर लेंगे।
चलिए शुरू करते हैं। ये हम पहले इनर साइड में इसके करेंगे, तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये रही कैन हमारी, इसको अच्छे से चेक कर लेंगे। तो कम से कम 30 सेकंड के लिए अच्छे से चेक करना है। गाइस हमारा फर्स्ट कोट हो गया है एंड इसको 10 मिनट वेट करने का, सेकंड कोट करेंगे इसके ऊपर। इतने हम सेकंड कोट का वेट करेंगे 10 मिनट, इतने हम इसकी फ्रंट साइड में हम फर्स्ट कोट कर लेते हैं। ये जो वॉल होता है जिससे हम टायर कलर डालते हैं, उसको मास्किंग टेप से आप कवर कर लीजिए। गाइस अभी इसको ये कोट हो गया, इसको भी सूखने देंगे एंड 10 मिनट बाद। तो अभी टाइम 6:26 हो रहा है। 10 मिनट बाद इसके अंदर हम दूसरा कोट अप्लाई करेंगे। शाम को 10 मिनट बाद स्प्रे पेंट करना था मैं सेकंड कोट इसके ऊपर, बट नहीं कर पाया बिकॉज से 15 मिनट बाद जैसे ही मैं कोट स्टार्ट करने के लिए सेटअप तैयार कर रहा था, मतलब कैमरा को तैयार कर रहा था, तो उसी दौरान बारिश आ गई, तो इस वजह से अब बाकी का सेकंड पार्ट, सेकंड जो स्प्रे को है इसके ऊपर जो हम करेंगे वो हम आज कर रहे हैं, मीन्स नेक्स्ट मॉर्निंग। सो सुबह सुबह आज सेकंड कोट करते हैं एंड इसको फिनिश करते हैं, बिकॉज दिन में काफ़ी ह्यूमिडिटी हो जाएगी एंड शाम को भी मौसम ठीक नहीं रहेगा, तो इसलिए इसको जल्दी से ख़त्म करते हैं। Thank you.
Guys, second coat done. And आप उसको अगर use करने के बाद अगर आपका काम खत्म हो गया, इसका उल्टा करके इसको थोड़ा सा spray कर दीजिए ताकि जो इसकी इसके अंदर से air आए and आप जो इसके अंदर वो clear हो जाए ताकि choke ना हो. गाइज मैंने रिम के साइड से टायर को कवर नहीं किया था मास्किंग टेप से या फिर किसी कार्ड से बिकॉज मेरे को टायर 6 महीने के अंदर अंदर चेंज कराना ही है. बाकी आप अपने टायर को रिम के साइड से अगर कवर करना चाहें तो कवर कर सकते हैं ताकि आपका पेंट टायर पे ना लगे. एंड अगर लग भी जाता कवर नहीं करते तो पेंट करने के आधे घंटे के अंदर आप पेट्रोल से अगर इसको साफ करेंगे तो ये क्लीन हो जाएगा आपका टायर. ये देखिए बैक साइड से. गाइज वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए.